भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 28 के पार्षद हरीश बिट्टू और बूथ अध्यक्ष विपिन कुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार सन्नी देओल की जीत की खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ वार्ड के डोर टू डोर लोगों में 101 किलो लड्डू बांटे। पार्षद हरीश बिट्टू और विपिन कुमार ने कहा कि लोगों ने पार्टी उम्मीदवार सन्नी देओल और मोदी सरकार पर फिर से विश्वास जताते हुए प्रचंड बहुमत दिया है, जिसके लिए वे लोगों के बहुत आभारी हैं। उन्होंने बताया कि लोगों ने पठानकोट से 29,000 से ज्यादा मतों से जिताकर ये बता दिया है कि लोग पठानकोट में कांग्रेस की नीतियों से कितने दुखी थे। उन्होंने बूथ के समूह वोटरों का धन्यवाद किया। सारे अपने वोटरां दा 28 नंबर वार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, जिन्होंने सन्नी देओल नू 90,000 की लीड ना पूरे अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो सारे तो जिताया। नरेंद्र मोदी जी की तिन्ने हल्कों चो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट चो 90,000 वोट की लीड की आ। मैं इन्होंने वोटरां का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। तो अगे तो यह भी सीख लैन कांग्रेसी भी वेख लो कमां दा मुल पैंदा, गल्लां दा मुल नहीं पैंदा। तो लोगों ने बहुत बहुत साडा सहयोग दिता, इन्हों का मैं बहुत तहे दिलों धन्यवाद करदा। हाथ जोड़ के वार्ड नंबर 28 के वोटर अगे लख मक्कन हों कि इन्होंने मेरे कैंडीडेट को जताया, सन्नी देओल जी को जताया, तो मोदी साहब न उपर की इलैक्शन जिता के इन्हों का धन्यवाद करता पूरे पंजाब का, पूरे हिंदुस्तान का। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमां दे ना ते वोटां पैंदियां ने। ये मोदी साहब एक गरीब परिवार का प्रधानमंत्री आ, गरीबा का प्रधानमंत्री आ। तुसी अगले भी 5 साल सोच लो कि मोदी साहब नूं बनाउणा ते साडे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। एक पासे 70 साल के प्रधानमंत्री, 1 साल के 5 साल के प्रधानमंत्री, जिन्हां ने 5 साल 70 साल के कमां का जायजा कढ़ के दिखा दिता। तो सारे वोटर अगे, हिंदुस्तान के वोटर अगे बेनती करता कि अगले 5 साल वास्ते इन्हों का ना अपने दिल से लिख लो। मोदी साहब अगले भी 5 साल वास्ते आ गए ने, इन्हों का रख लो। सारे प्लान करता वीर अगे भी हाथ जोड़ के बेनती, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन्नी देओल अगे अगे बेनती की तू साडे प्लान करता का सोचो, सन्नी देओल जी फिर सोचेंगे। पठानकोट से रजनीश कालू की रिपोर्ट।